नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ नीति आयोग के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही के अंदर संगणक का एग्जाम हुआ था और इसके अंदर पूछा गया था कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, तो वो थी मित्रों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फिर बढ़ते हैं आगे मित्रों, ये नीति है ठीक है, और इस नीति शब्द का हिंदी अनुवाद पॉलिसी नहीं है। क्या नहीं है? पॉलिसी नहीं है, ध्यान रखना। इसका जो शाब्दिक अर्थ वो है शासन व प्रशासन में नैतिक आचरण, ठीक है, शासन व प्रशासन के अंदर नैतिक आचरण से है, ठीक है। फिर बढ़ता हूँ आगे मित्रों, अभी आपको मैंने पढ़ाया था योजना आयोग और एनडीसी नेशनल, ठीक है, डेवलपमेंट काउंसिल, इन दोनों को हटाकर उसकी जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई थी। किसके स्थान पे? योजना आयोग व एनडीसी के स्थान पे, ठीक है। और स्थापना हुई मित्रों 1 जनवरी 1950 को। ठीक है। और मित्रों जो स्थापना हुई थी वो कैबिनेट के प्रस्ताव पे, ठीक है, कार्यकारी आदेश से, और ये गैर संवैधानिक, संविधान के अंदर कहीं पे इसका उल्लेख नहीं है, गैर संवैधानिक सलाहकारी संस्था है। और किस पे और किसके प्रस्ताव पे बनी? कैबिनेट के प्रस्ताव पे, ये बात आपको याद रखना है। फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, इसका जो संरचनात्मक यानी संरचना कैसी है, इसका गठन किस प्रकार से है, तो वो आपको बताता हूँ। संरचना या फिर गठन, सबसे पहले बात करते हैं इसका जो अध्यक्ष कौन होता है। तो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, पीएम, ठीक है, कौन? नरेंद्र मोदी, ठीक है। बात करता हूँ इसके उपाध्यक्ष की, वर्तमान के अंदर है डॉक्टर राजीव कुमार। कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। इससे पहले थे अरविंद पंगड़िया, ठीक है मित्रों। और ये अध्यक्ष हैं, यही जो उपाध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी नियुक्ति करता है और इनको शपथ दिलाने का काम करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, तो है मित्रों अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट बात करता हूँ इसके सदस्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसके जो पूर्णकालिक सदस्य हैं वो कौन कौन है, तो देखिए आराम से पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। पूर्णकालिक सदस्य के अंदर विवेक देवराय, वीके शाश्वत, वीके शाश्वत, रमेश चंद्र, ठीक है। ये है मित्रों विवेक देवराय, अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, और बीबी जो बी के शाश्वत हैं, ठीक है, बी के शाश्वत। ये क्या है? तो डीआरडीओ के प्रमुख, ठीक है, और रमेश जो चंद्र हैं ये है कृषि विशेष के, ठीक है। और विवेक देवराय को पद्मश्री से भी नवाजा गया, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करता हूँ अंशकालिक सदस्य। अंशकालिक सदस्य कौन कौन है, तो वो देखिए मित्रों भारत के जो अग्रणी विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, और जो शोध संस्था है उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ पदेन सदस्य।
प्रधान सदस्य कौन कौन है तो वो देखिए मित्रों, इसके अंदर चार कैबिनेट मंत्री आते हैं। वर्तमान की बात करूं तो वो कौन कौन है, ठीक है, गृह मंत्री, और गृह मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह, ठीक है। सेकंड बात आती है मित्रों अरुण जेटली, ये कौन है, वित्त मंत्री, थर्ड इसके जो सदस्य होते हैं प्रधान सदस्य वो होते हैं रेल मंत्री, ठीक है, और रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। इससे पहले कौन थे, वो थे सुरेश प्रभु, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ कृषि मंत्री, और वो कौन है, राधामोहन सिंह, ठीक है। ये आपको बताया मैंने प्रधान जो प्रधान सदस्य हैं इनके बारे में। इसके अलावा मित्रों तीन विशेष आमंत्रित सदस्य वो कौन कौन है, विशेष आमंत्रित सदस्य के अंदर बात करूं प्रकाश जावड़ेकर, कौन, प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, और मित्र नितिन गडकरी, और एक है थावर चंद गहलोत, आई बात समझ में। ये थी मित्रों नीति आयोग की बातें, ठीक है, नीति आयोग के बारे में आपको डिटेल से बताया। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ शासकीय परिषद, इसके अंदर कौन कौन होते हैं, तो मित्रों इसके अंदर सभी राज्य हैं, ठीक है, उनके सीएम मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व उपराज्यपाल, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट बात करता हूँ यह योजना का निर्माण क्रियान्वयन व मूल्यांकन संबंधी जो कार्य करते हैं, योजना का निर्माण करने का काम करते हैं, उसको क्रियान्वयन करने का काम करते हैं, ठीक है, और इसके मूल्यांकन का काम करते हैं। ठीक है मित्रों, ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्षेत्रीय परिषद के बारे में। इसकी जो स्थापना का उद्देश्य क्या था, वो था मित्रों जो विभिन्न राज्य हैं, ठीक है, इन राज्यों के मध्य विवाद है, उस विवाद को सुलझाने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए इसकी स्थापना की गई, ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, वो करता है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। कौन करते हैं मित्रों, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, ठीक है। और मित्रों सदस्य की बात करें तो ये सभी जो संबंधित राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक व उपराज्यपाल, जो मैंने आपको बताया शासकीय परिषद के अंदर हुई, ठीक है। और जो बैठक बुलाई जाती है वो किसके निर्देशन में बुलाई जाती है, वो बुलाई जाती है पीएम के निर्देशन पे, ठीक है। और मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि मित्रों ये एक अनौपचारिक मंच है, क्या है, अनौपचारिक मंच है जहाँ पे राज्यों के मध्य जो विवाद हैं, ठीक है, उनको सुलझाने का जो काम किया जाता है, और इसके अंदर एक संवैधानिक अंतर्राज्यीय परिषद का भी प्रावधान है। किसका, संवैधानिक अंतर्राज्यीय परिषद का, ठीक है। और मित्रों फिर बात आती है कि जो इसके फंक्शन क्या है नीति आयोग के, वो कार्य क्या है, वो आपको बताता हूँ, लिखूंगा नहीं, ठीक है, बोल के आपको बताता हूँ। ये मित्रों राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य तथा प्राथमिकता निर्धारण में
राज्यों की सक्रिय भूमिका को सुनिश्चित करते हुए, ठीक है, एक सहकारी संघवाद की स्थापना करने का काम करना, जो मेन कार्य आपको समझ में आ गया होगा क्या है, राष्ट्रीय विकास का लक्ष्य, और इसके अंदर राज्यों की भूमिका भी, ठीक है, भूमिका भी सुनिश्चित करना। ठीक, नेक्स्ट बात करता हूँ, योजना के निर्माण हेतु ग्रामीण स्तर पर सुदृढ़ तंत्र का विकास, किस स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, ठीक है, एक अच्छे तंत्र का विकास हो, इससे योजना का सही तरह से क्रियान्वयन हो सके, ठीक है। और मित्रों, जो पिछड़े क्षेत्र हैं, ठीक है, पिछड़े वर्ग हैं, उनके उत्थान हेतु कुछ विशेष प्रावधान करना, ठीक है, पिछड़े क्षेत्र व पिछड़े वर्गों के लिए। और हम बात करें मित्रों, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, ठीक है, लोगों की क्षमता है, ठीक है, उसको बढ़ाना, उसके कौशल विकास है उसको बढ़ाना, ये किनका उपयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का। आज के टाइम बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, ठीक है, उन टेक्नोलॉजी को, ठीक है, उपयोग करते हुए, और सरकार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, एक सलाहकारी संस्था के रूप में कार्य करना, ये था नीति आयोग। जो बातें थी मैंने आपको यहाँ समझाई, आई होप जरूर समझ में आ गई होगी, और जो टाइम मिलेगा तो मैं आपको समझाऊंगा भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, ठीक है, थैंक यू।